हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास सेवन का क्लास सिक्स और सेवन का फ्रैक्शन ठीक है करने जा रहे हैं। इसका तीसरा क्लास ठीक है। तो अभी तक हम लोग फ्रैक्शन में टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, कैसे अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे, कंपेयर कैसे करेंगे ये सब कर चुके हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना सीख चुके हैं है ना। अब लोएस्ट फॉर्म में करना सीख चुके हैं। अब ध्यान, आज हम लोग पढ़ेंगे एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, कैसे फ्रैक्शन को जोड़ते हैं, घटाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। तो जब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, इसका एडिशन ऑफ फ्रैक्शन और फ्रैक्शन, तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, जैसे दो फ्रैक्शन है, सपोज करो ए बाई बी प्लस सी बाई बी, अगर दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है तो उसका एलसीएम भी क्या है, सेम आएगा, क्लियर है। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो दोनों न्यूमरेटर को जोड़ देंगे, डिनोमिनेटर सेम होगा तो क्या करेंगे, दोनों न्यूमरेटर को जोड़ देंगे, तो ए प्लस सी हो जाएगा ए प्लस सी बाई बी आंसर, क्लियर है। जैसे 2/5 प्लस 3/5, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, 5 है, तो डिनोमिनेटर 5 है तो दोनों का डिनोमिनेटर 5 ही रह जाएगा, और ऊपर वाला को जोड़ देंगे 2 + 5 2 + 3 कर देंगे तो आ जाएगा वहाँ 5/5, और इसको लोएस्ट फॉर्म में काट देंगे 1 5 1 5 5 1 5, तो 1 1 1 1 1/1 इसको 1 आंसर, ठीक है। तो क्या हो गया, जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो न्यूमरेटर को सीधे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे प्लस, ठीक है। अब ध्यान दो, ये तो हो गया, उसको पॉजिटिव बता लेना, ये तो हो गया। उस बाद उस समय जब डिनोमिनेटर तुम्हारा सेम होगा, लेकिन अगर डिनोमिनेटर अलग होगा तो क्या करेंगे, सपोज करो 2/5 प्लस 3/9, 2/5 प्लस 3/9 इसको जोड़ना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, तो 5 और 9 का एलसीएम क्या आएगा, इसी से निकलेगा, तो सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे 45 आ जाएगा एलसीएम, ऐसे कितना आ गया 45, तो यहाँ पे 45 नीचे। अब क्या करना है, 5 से कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे 45 आ जाएगा, तो 5 से 9 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 45 आ गया ना, तो ऊपर में भी 9 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 9 18 यहाँ पर लिख देंगे, फिर इसको प्लस कर देंगे, 5 में कितना मल्टीप्लाई करें 45 आ जाएगा, सॉरी 9 में कितना मल्टीप्लाई करें 45 आ जाएगा, 9 5 45, इसके नीचे में 5 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर में 5 मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 5 15, और दोनों जो आया उसको जोड़ दो 18 + 15 दैट इज इक्वल टू 33/45, अब ये कटेगा तो काट देना, 3 से 11 बार में 3 11 33 एंड 3 15 बार में 45, तो आंसर हो जाएगा 11/50 आंसर। फिर से देखो, जब दो अलग अलग नंबर है, क्या दो अलग अलग नंबर है, इसको जोड़ना है, तो जिसका डिनोमिनेटर भी अलग अलग हो, जब डिनोमिनेटर अलग अलग है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, अब डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाले तो 5 9 45, ठीक है, तो 45 एलसीएम आ गया, तो 5 में कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे 45 होगा, 5 में 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 होगा, तो जितना बार मल्टीप्लाई करने पर ये आता है एलसीएम उतना ही ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 2 18, अब 9 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 45 आएगा, 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे 45 आएगा, तो ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 5 15, अब ऊपर वाला को जोड़ दो 33/45 काटोगे 3 से काटोगे तो 3 से 33 को काटोगे तो कितने बार कट जाएगा, 11 बार में 33, यहाँ पर 11 45 को 3 से काटोगे तो 15 बार में कट जाएगा, 11/15 आंसर। फिर से एक एग्जाम्पल दे दो, फिर से एक एग्जाम्पल दे दो, इलेवन बाय 24 प्लस 11/24 प्लस 7/6, अब ये दोनों को जोड़ना है, तो हम क्या बोले, जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर का एलसीएम, एलसीएम भी 6 का, इसका डिनोमिनेटर है 24 और इसका डिनोमिनेटर है 6, एलसीएम ऑफ 24 एंड 6 इज इक्वल टू 24 6, 2 से 12 बार में ये 3 बार में, 3 से
4 बार में ये 1 बार 2 3 या 12 12 4 जा 2 3 जा 12 बार में और 3 बार में ये सब 4 बार में 1 बार हां 2 3 जा 6 एंड 6 4 जा 24 6 4 जा 2 3 जा 6 एंड 6 4 जा 24 यहां पे आंसर कितना आ जाएगा एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू 24 ठीक है तो 24 एलसीएम आएगा तो 24 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा 1 ऊपर में भी 1 मल्टीप्लाई करेंगे 11 1 जा 11 प्लस 6 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा 6 में हम लोग 4 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 4 जा 28 28 प्लस 11 39 बाय 24 लगा 39 बाय 24 अब देखो कटेगा 3 से कट जाएगा 1 3 13 बाद में और ये 3 से कट जाएगा 8 बाद में तो ऐसे कितना लगा 13 बाय 8 13 बाय 8 आंसर ठीक है यस समझ आ गया यस सर ठीक है अब फिर से ध्यान दो जब हम लोग को दो नंबर को जोड़ दो फ्रैक्शन को जोड़ना है तो हम लोग सबसे पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे एलसीएम जो भी आया तब देखेंगे डिनोमिनेटर में कितना मल्टीप्लाई करने के एलसीएम के बराबर होता है एलसीएम 24 आया तो डिनोमिनेटर में कितना मल्टीप्लाई 1 तो 24 हो जाएगा तो ऊपर में भी वही मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर आगे एलसीएम को पूरा मल्टीप्लाई ठीक है फिर 6 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा 4 तो फिर 4 से ऊपर में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 28 दोनों ऊपर वाला को जोड़ देंगे तो जो भी आएगा वो आंसर कटेगा तो काट देना है ना अब होमवर्क लिख लो इस टॉपिक से इसको पॉज करके उतार लोगे होमवर्क लिखो फर्स्ट सेवन बाय टेन प्लस टू बाय फिफ्टीन सेकेंड हंड्रेड एंड वन बाय हंड्रेड एंड टू प्लस हंड्रेड वन बाय हंड्रेड एंड टू प्लस हंड्रेड एंड थ्री बाय हंड्रेड एंड टू थर्ड क्वेश्चन नंबर थ्री 2 whole 2 by 3 plus 2 whole 2 by 3 plus 3 whole 1 by 2 3 whole 1 by 2 अब इसको जो whole number में दिया उसको पहले fraction में convert करोगे फिर जोड़ोगे ठीक है जैसे एक बता दे रहा 2 whole 1 by 2 plus 5 whole 1 by 3 इसको जोड़ना है पहले 2 जा 4 plus 1 इसको multiply करते हैं 2 जा 4 plus 1 5 जो जाएगा 5 by 2 plus 3 5 जा 15 plus 1 11 by 3 अब ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे और 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6 तो 2 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा 3 का जो प्रिंट होता है सॉरी यहां 16 हो जाएगा तो यहां पे जब नीचे में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का जो 15 और यहां पे 3 और 3 का 6 ऊपर में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 32 जोड़ने पे कितना आ जाएगा 47 by 6 आंसर क्लियर है तो वैसे इसको बनाओगे सबसे पहले होल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे फिर वही प्रोसेस करेंगे जो हमने पहले किए थे ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 लिख लो 5 होल 1 बाय 6 प्लस 11 होल 2 बाय 12 11 होल 1 बाय 12 इसको करना है ठीक है इसको उतार लो क्वेश्चन होमवर्क है पॉज कर लेते उतार लोगे एडिशन हो गया ठीक है नेक्स्ट सब्सट्रैक्शन सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन भी एडिशन के तहत ही होता है बस इसमें क्या करते हैं प्लस माइनस करते हैं उसमें प्लस करते हैं जैसे 5 बाई 2 5 बाई 2 माइनस 4 बाई 3 इसको अगर हमको सॉल्व करना है 5 बाई 2 माइनस 4 बाई 3 तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे 2 और 3 का एलसीएम एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इक्वल टू 6 आ जाएगा ठीक है 2 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा फिर हम क्या करेंगे नीचे में 6 लिख देंगे 2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा 2 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15 माइनस
3 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 6000 2 2 by 2 यहां पे 8 15 में 8 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 7 by 6 आंसर इधर है 7 by 6 आंसर तो वहां पे बस सेम एडिशन जैसा है बस वहां पे यहां पे प्लस होता था इसमें से यहां पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा अगर सेम रहेगा डिनोमिनेटर तो क्या करेंगे सीधे ऊपर लिख देंगे जैसे 11 by 2 माइनस 9 by 2 जब नीचे में डिनोमिनेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है तो सीधे नीचे में 2 लिख देंगे और ऊपर वाला को माइनस कर देंगे 11 माइनस 9 हो जाएगा 2 by 2 2 2 कट जाएगा हो जाएगा 1 क्लियर सर समझ आ गया तो एडिशन एंड सबट्रैक्शन क्लियर है तो आप तुम लोग करोगे क्या इसके अलावा होमवर्क आरएस अग्रवाल एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट आरएस अग्रवाल का एक्सरसाइज 2.1 होमवर्क आरएस अग्रवाल एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होमवर्क ठीक है और क्लास 6 वाला क्लास 6 वाला भी आर एस अग्रवाल फ्रैक्शन चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज फ्रैक्शन चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज ठीक है ठीक है तो ये दोनों का होमवर्क है उतार लो और होमवर्क हमें जल्दी से जल्दी चाहिए तो मैं बहुत लेट करते हो 6 और 7 क्लास वाला तुम लोग बहुत लेट से आता है करना है अब देखो कुछ क्वेश्चन आता है सिंपलीफाई कर सिंपलीफाई करना होता है वो भी तुम्हारे एक्सरसाइज 2.1 में कुछ क्वेश्चन है सिंपलीफाई का जैसे 4 होल 5 बाई 8 4 होल 5 बाई 8 माइनस 2 होल 3 बाई 8 माइनस 2 होल 3 बाई 8 प्लस 3 होल 7 बाई 12 ये एक है इसे सिंपलीफाई करना तो सबसे पहले सबको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 8 4 जा 32 32 प्लस 5 37 37 बाई 8 माइनस 8 2 जा 16 प्लस 3 19 बाई 8 प्लस 12 3 जा 36 प्लस 7 43 बाई 12 ये आ गया फ्रैक्शन आ गया अब ये तीनों जो भी ये तीनों नंबर है इसका एलसीएम निकालो तो एलसीएम ऑफ 8, 8, 12 क्या आएगा 8, 8, 12 एलसीएम निकालो किससे कटेगा 2 से 4 4 6 बार फिर 2 से 2 2 3 बार फिर 2 से 1 1 ये नहीं कटेगा तो सेम काट देंगे ठीक है अब देखो कितना आ रहा है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 तो ये तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 24 तो एलसीएम मेरा कितना आ गया 24 तो नीचे नीचे में तो 24 नीचे क्या करेंगे 24 अब 8 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाए 3 तो ऊपर में 3 मल्टीप्लाई करना 37 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेना ठीक है 37 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 111 आएगा कर लेना यहाँ से हो जाएगा 111 ठीक है उसके बाद 8 फिर है 8 इसमें 3 मल्टीप्लाई होगा ऊपर में 3 तो 93 जा कितना होता है 57 यहाँ पर माइनस है तो माइनस साइन 57 यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे और 12 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा 2 तो ऊपर में भी 2 तो 43 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 86 आएगा क्लियर है अब देखो जो जिसके आगे प्लस साइन है उसको जोड़ दो और जिसके आगे माइनस साइन होगा उसको भी जोड़ देना प्लस को माइनस से माइनस कर देना नहीं तो सिंपली एक एक करके सॉल्व करो देखो ये प्लस है ना इसके आगे क्या है प्लस इसके आगे कुछ नहीं मतलब क्या है प्लस जहाँ कुछ नहीं होता उसका मतलब प्लस होता है ये दोनों प्लस वाला को जोड़ दो प्लस वाला को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1 + 6 = 7 8 + 9 और ये 1 कितना जाए 197 यहाँ बचा कितना माइनस 57 बच गया डिवाइड बाय 24 अब इसमें से इसको माइनस कर दो कितना आएगा 7 माइनस 7 0 4 1 बाय 24 140 बाय 24 अब इसको काट दो कटेगा तो देखो तो 2 से कटेगा 2 से 12 बार में 24 और 2 से 70 बार में ये फिर 2 से कटेगा 6 बार में और ये 2 से 30 5 बार में आ जाएगा आंसर 35 बाय
6 कितना आ गया 35/6 इसको होल नंबर में क्वेश्चन होल नंबर में दिया हुआ था ना तो आंसर भी होल नंबर में करोगे 35 को 6 से डिवाइड कर दोगे तो 5 बार में 30 रिमाइंडर भी 5 तो यहां पे क्वेश्चन जो है यहां पे 5 ठीक है क्वेश्चन जो आएगा सॉरी 5 वाला ना क्वेश्चन आ गया 5 ठीक है 6 से हम डिवाइड नीचे में 6 हो जाएगा क्वेश्चन 5 और ये रिमाइंडर 5 ठीक है यहां पे जो होता है यहां आ जाता है क्वेश्चन जो होता है यहां आता है और रिमाइंडर यहां तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर समझ आया क्या किया हम लोग पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिए फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद तीनों का एलसीएम निकाले 24 आ गया तो 8 में 20 कितना मल्टीप्लाई किया 3 तो 24 ऊपर में 3 इसमें भी 3 ऊपर में 3 12 2 24 ऊपर में भी 2 अब जो भी मल्टीप्लाई किए हैं नीचे में भी जो एलसीएम आता है सब पे लिखते हैं 24 नीचे में सब पे लिख दिए और ऊपर में 37 3 जा 111 19 3 जा 57 और इसके पहले माइनस साइन है तो माइनस साइन दे देंगे और 43 2 जा 86 इसके आगे प्लस साइन है तो प्लस साइन दे देंगे जो भी प्लस प्लस है जहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं था कुछ नहीं है मतलब क्या है प्लस है तो प्लस प्लस वाला को जोड़ देंगे पहले तो प्लस प्लस वाला जोड़ दिया फिर जितना भी माइनस वाला है उसको माइनस कर देंगे तो 157 में माइनस 197 में माइनस 57 कर देंगे और डिवाइड 24 करेंगे इसको इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का 35/6 आएगा उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे क्लियर है तो ये तुम लोग का क्या है एक्सरसाइज होमवर्क है ठीक है ये एक्सरसाइज बनाओगे तब हम लोग आगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे चलेंगे है ना क्योंकि अभी एक कंप्लीट नहीं करोगे तो आगे जाने में फायदा नहीं आता तुम होमवर्क बहुत स्लोली करो जितना धीरे बनाओगे उतना ही कम वीडियो अपलोड करेंगे जितना जल्दी बना के भेजोगे उतना जल्दी जल्दी और क्योंकि साइंस भी पढ़ाना है तो जल्दी जल्दी पढ़ो है ना छुट्टी है दिन भर घर में रहना है पढ़ाई कर दो एक ज़्यादा होमवर्क भी नहीं दे रहे हैं कितना क्वेश्चन होता है हाँ तुम होमवर्क कर नहीं रहे हो सही से ठीक है तो इसको कर लेना और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो व्हाट्सएप पे या YouTube के कमेंट में पूछ लेना हम उसका आंसर अगला वीडियो में दे देंगे ठीक है सॉरी सर।